हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सुप्रिया ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। जो जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कौन से साइकोलॉजी से ट्रेडिंग करते हैं, उनके इमोशंस क्या होते हैं, वो ट्रेड कैसे लेते हैं, उनका सेटअप क्या होता है, सब कुछ आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर्स में, जो कि मैंने 5 पॉइंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है इनोवेटिव ट्रेडर्स। इनोवेटिव ट्रेडर्स मतलब क्या है कि जो ट्रेडर्स मार्केट में पहली बार नया नया आते हैं, ठीक है, जिनको स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब कुछ पता चलता है, तो वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे, फिर गूगल पे, फिर अपना टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह सर्च क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। मतलब कि ऐसा कोई इंडिकेटर हो जो हमें बता दे कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, उन्हें कुछ करना ना पड़े, उन्हें ना प्राइस एक्शन देखना पड़े, ना उन्हें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़े। अगर वो स्टॉक में कर रहे हैं तो ना उन्हें फंडामेंटल कुछ पता हो, वो चाहते हैं कि कुछ भी हमें एक शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं पैसा कमा सकूं, ठीक है। और वो सारा तरह का जितना भी समझो कि इंडिकेटर आप देख लोगे, जितना इंडिकेटर आप देख लोगे वो क्या करेंगे कि इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और जितना सारा इंडिकेटर उनको दिखेगा सब ट्राई ट्राई करके दिखेंगे, इनोवेट करना चाहेंगे कि अगर इसके साथ मैं ये लगा दूँ तो क्या होगा, इसके साथ मैं ये लगा दूँ क्या होगा, वीवैप लगा दूँ, वॉल्यूम लगा दूँ, सुपर ट्रेंड लगा दूँ, RSI लगा दूँ, वो सब कुछ सोचते हैं। मैं लगा दूँ कि मैं लगा कर देखता हूँ कि इसके साथ अगर ये लगा दिया तो क्या होगा, इसके साथ ये लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। वो ये नहीं करते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ें और उस पर वो अपना बैक टेस्टिंग करें और मार्केट में देखें कि उन्हें ट्रेड मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और कितना परसेंट उसका जो उन्हें लॉजिक मिला है ट्रेड करने का, जो उन्हें सेटअप मिला है, कहीं से भी, यूट्यूब से मिले, कोई कोर्स से मिले, या वो गूगल से मिले, कहीं से भी उन्हें मिले, तो वो उन्हें देखना चाहिए ट्रेड वो देख, अगर ट्रेड ना ही ना भी करे तो बैक टेस्टिंग करके उन्हें देखना चाहिए कि उनके पास जो सेटअप मिला है वो वर्क कर भी रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड कौन से आते हैं, कैलकुलेटर ट्रेडर, जो मैंने लिखा है। अब आप बोले कैलकुलेटर ट्रेडर क्यों, तो मैं बता देता हूँ वो क्या करते हैं। वो सिंपल सा क्या करते हैं कि उन्हें टेलीग्राम, ट्विटर कहीं से पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, वो क्या करते हैं कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। वो सिंपल सा क्या करेंगे, मान लीजिए कि उनके अकाउंट में 20,000 रुपये है, ठीक है, उनके अकाउंट में 20,000 रुपये है, तो वो सिंपल क्या करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाई, मान लो कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो टेलीग्राम पे ऑप्शन मिला है वो उन्हें मिला है मान लो 300-400 का, जो इन द मनी है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इतना पैसा मैं लगाऊंगा तो कम ट्रेड में ले सकता हूँ, मतलब कम क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो लेंगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी लेंगे 25-30 रुपये का, ठीक है, वो 25 रुपये का लेंगे, ठीक है, मतलब कि उन्हें कितना मिल गया, 800 क्वांटिटी मिल गया, ठीक है, 800 क्वांटिटी मिल गया। अब उन्हें उन्हें क्या लग रहा कि ऑप्शन, जैसे कि उन्हें टेलीग्राम में मान लो पता चल गया, उन्हें ट्विटर पर पता चल गया, उन्हें यूट्यूब पर पता चल गया कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट भाग सकता है, 200 पॉइंट भाग सकता है, तो वो क्या करते हैं कि 800 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 500 पॉइंट से, मान लो कि मैं 50 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 पॉइंट से, ठीक है। अब वो देखें कि मैं 40,000 आज बना सकता हूँ, ठीक है, वो देख रहे हैं कि मैं आज 40,000 बना लूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 20,000 रुपये लगाना है और मैं 40,000 रुपये बना लूँगा आज, सिंपल, और 50 पॉइंट मुझे एकदम आसानी से मिल जाएगा और मैं एक ट्रेड लूँगा और मैं आज बंद कर दूँगा, ठीक है। वो ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहीं पर जितना वो कैलकुलेट किए हैं उतना उनको लॉस भी हो सकता है, मार्केट उनके अपोजिट भी जा सकता है, लेकिन इनका सोचना क्या है कि नहीं मेरे को प्रॉफिट होगा। रीज़न क्या है, एक तो ये कैलकुलेट कर चुके हैं, अपना साइकोलॉजी में डाल चुके हैं कि मेरे को इतना आज बनाना है, दूसरा क्या है कि ट्विटर पे जो भी या फिर टेलीग्राम पे जो भी इनको कॉल मिल रहा है कॉल और पुट बाई करने का, उन्हें लग रहा है कि ये कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते, ये हमेशा राइट सब कुछ बताते हैं, ये कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, इसलिए उनके बात पर हमेशा ट्रेड लेते हैं और उसी में लॉस करके कौन सा पोजिशन में पहुँच जाते हैं, बिग लॉस ट्रेडर में, ठीक है। और जब ये लोग बिग लॉस ट्रेडर में पहुंच जाते हैं तो इनके साथ क्या दिक्कत हो जाता है, इनके पास साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आ जाता है। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम कैसे आता है, मान लो कि 1,00,000 लॉस में है, ठीक है, 1,00,000 लॉस में है, इनके पास बचा 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये। अब क्या है कि इनके दिमाग में क्या चलेगा कि मैं ये 20,000 से कैसे भी करके 20,000 को 1,00,000 बना देता हूँ, ठीक है, 1,00,000 बना देता हूँ, उसके बाद मैं मार्केट छोड़ दूंगा, मेरे को बस जितना मेरा गया वो मेरे को रिटर्न मिल जाए मार्केट से, 1,00,000 रुपये रिटर्न मिल जाए, फिर मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं मार्केट में कभी नहीं आऊँगा। अब वो क्या करते हैं, रोज़ 20,000 रुपये लगा कर
वो चाहेंगे कि कम से कम तो 30 से 40 हज़ार रुपये बना ले, ठीक है, वो चाहेंगे कि 30 से 40 हज़ार रुपये बना ले एक दिन में, और फिर 3-4 दिन में सब कुछ कवर करके मार्केट छोड़ के निकल जाए। और इस रीज़न से क्या करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ क्या आता है जो साइकोलॉजी में, वो एसएल लगाना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि मान लो कि वो खरीदे 100 रुपये पे, उन्हें लगता है कि अगर मान लो कि मैं 90 पे एसएल लगा लिया, ठीक है, और 89 पे मार्केट जाता है, 89 पे मार्केट जाता है और फिर से मार्केट बाउंस कर जाता है, तो 1 रुपये के लिए मेरा एसएल टच हो जाएगा, मेरे को लॉस भी हो जाएगा, इससे अच्छा मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। और होता क्या है, वो 100 पे ख़रीदते हैं और मार्केट इतना बड़ा एक विग बना देता है, या फिर मार्केट में इतना बड़ा एक फॉल आ जाता है कि वो 100 रुपये का यहाँ पे आ जाता है 30 से 40 रुपये, ठीक है, 30 से 40 रुपये। अब क्या हुआ कि जो 100 रुपया वो उन्होंने ख़रीदा था 100 रुपये में, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 रुपया था, अब हो गया वो मान लो 40 रुपये, ठीक है। अब जब 40 रुपये हो गया, अब वो निकल नहीं सकते यहाँ पे, अब वो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजी क्या था, उनका साइकोलॉजी था 90 का कि मेरे को 90 में निकलना है। अब उनका साइकोलॉजी अलाउ नहीं करेगा निकलने के लिए, क्योंकि वो 40 में है, उनका साइकोलॉजी क्या बोलेगा कि नहीं नहीं बहुत होगा तो मैं 60 में निकल जाऊँगा, 60 जाने तो मार्केट को मैं 60 में निकल जाऊँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं मार्केट उन्हें चांस नहीं देगा, मार्केट मार्केट 55 तक जाएगा, ठीक है, मार्केट 55 तक जाएगा, लेकिन वो वहाँ भी प्रॉफिट बुक करके, मतलब लॉस बुक करके नहीं निकलेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं मैं 60 सोचाऊँ, मार्केट 60 क्रॉस करने दो, मार्केट फिर से 62 पे जाएगा, ठीक है, मार्केट उनके साइड में जाएगा, वो क्या सोचेंगे चल 62 हो गया, अब कैसे भी करके 75-80 पहुँच जाए, ठीक है, वो सोचेंगे 75-80 पहुँच जाए। अब क्या होगा कि 62 से डायरेक्ट मार्केट अब 20 पे आ जाएगा, ठीक है, अब मार्केट 20 पे आ गया, वो खरीदे थे 100 पे, मार्केट आ चुका है 20 पे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, लॉस कट कर देंगे, ठीक है, अब लॉस कट किए, उनका पैसा भी गया, उनका साइकोलॉजी भी गया, उनका दे भी ख़राब हुआ, सब कुछ उनके साथ हुआ, क्योंकि उनके पास लॉस पहले से था, बहुत बड़ा उनके पास लॉस था, वो पहले से लॉस अपने दिमाग लिए थे और वो सोच क्या रहे थे कि मैं इस छोटे से कैपिटल से ये बड़ा कैपिटल मैं कुछ टाइम से ही, मतलब समझो कि 2-3 दिन में ही निकाल लेता हूँ मार्केट से, और इस रीज़न से वो फिर से बहुत सारे लॉस में चले जाते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा टिप्स क्या रहता है कि अगर आप बहुत लॉस कर चुके हो तो 1 मंथ के लिए मार्केट छोड़ दो, सिंपल लॉजिक, 1 मंथ के लिए मार्केट छोड़ दो। और सबसे बड़ा चीज़, आप खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है, खुद को ब्लेम मत करो। सबसे अच्छा चीज़ क्या है, आप सिस्टमेटिक ट्रेडर बनो, आप एक सिस्टम खोजो, ठीक है, कोई भी सिस्टम, या तो वो ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, या तो ब्रेकआउट हो, ठीक है, या तो मार्केट ट्रेंड लाइन फॉलो करके ट्रेंड लाइन ऑर्डर आप लो, या ब्रेकआउट ऑर्डर लो, या फिर आप CPR लो, ठीक है, आप कोई भी सेटअप उठाओ, कोई भी सेटअप, ठीक है, आप CPR लो, आप RSI लो, ठीक है, RSI लो, बोलिंजर बैंड लो, कुछ भी लो, ठीक है, आप कोई भी सेटअप उठाओ और उसका 1 महीने तक आप समझो कि पूरा 5 साल 6 साल का पूरा बैक टेस्ट आप कर जाओ, जितना आप कर सकते हो 1 महीने के टाइमिंग में, ठीक है, आप उसमें से देखो कि आप कौन सा सूट कर रहा, ठीक है, कौन सा सूट कर रहा आपको। और उसके बाद जब आप इतना बैक टेस्टिंग सब कुछ कर चुके हो, तो फाइनली आप आते हो वेल प्लान ट्रेडर, ठीक है। अब जब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपके पास सब कुछ है, तो चलिए मैं अगर CPR से एग्जांपल देता हूँ, वेल प्लान ट्रेडर में क्या है, CPR से मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं भी CPR से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, CPR से। तो वेल प्लान में क्या है कि हमें सब कुछ प्लान करके ट्रेड करना है, ठीक है, हमें पहले से प्लान करना है कि हमें कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, हमें सब कुछ पहले से ही करना है, ठीक है, सिंपल, आप समझ रहे होगा। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं CPR में, हम लोग टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच हम लोग अपनाते हैं, जो कि बहुत प्राइस एक्शन ट्रेडर करते हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ सही ढंग से चार्ट में दिखने लगता है, ठीक है, सब कुछ हमें सही ढंग से दिखने लगता है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक चार्ट लगाना है 1 डे का, एक चार्ट लगाना है 1 आवर का, एक चार्ट लगाना है 5 मिनट का। तो जब हमारे पास टॉप टू डाउन अप्रोच तीनों चार्ट पड़ा हुआ है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि 1 आवर का चार्ट हमें क्या बोल रहा है, 1 डे का चार्ट हमें क्या बोल रहा है, और 5 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। और जब आप सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करोगे, आप देखोगे कि अगर CPR के ऊपर मार्केट है, ठीक है, अगर CPR के मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, और ये हमें कॉल बोल रहा है बाई करने के लिए, और वीकली में भी CPR के ऊपर है, ये भी हमें बोल रहा है कॉल बाई करने के लिए, और डेली में भी CPR के ऊपर, ये भी हमें बोल रहा है कॉल बाई करने के लिए, तो आप उस दिन समझ जाओ कि कम से कम तो आप 300 से 400 पॉइंट, ठीक है, मैं स्पॉट चार्ज का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन चार्ट का बात कर रहा हूँ,
300 से 400 पॉइंट आप कमा सकते हो इजीली जिस दिन ये ट्रेड आपको मिल गया, ठीक है, कि तीनों आपको डेली, वीकली और मंथली जिस दिन आपको बोल दिया, जिस दिन आपको इंडिकेट कर दिया कि तीनों साइड कॉल, तीनों कॉल बोल दे या फिर तीनों पुट बोल दे, आपको बोल दे, तो उस दिन आपको प्रीमियम चार्ट में 300-400 पॉइंट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम लोग क्या किए कि सिस्टमेटिक वैसे ट्रेड करना सीखे, ठीक है, और एक सेट हम लोग पकड़ लिए CPR, हम लोग को और कुछ देखना ही नहीं, बाकी ट्रेंड लाइन हो, बोलिंदर बैंड हो, कुछ भी हम लोग को देखना नहीं, हम लोग बस CPR से ट्रेड करेंगे। और अगर आपको CPR सीखना है, डेप्थ में पूरा सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं धीरे धीरे करके पूरा CPR का मैं डिटेल वीडियो लाते रहूँगा, इसमें मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, नैरो CPR क्या होता है, डिसेंडिंग CPR, असेंडिंग CPR, वर्जिन CPR, डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, अप ट्रेंड में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, फिर हमें वाइट CPR कैसे काम आता है, इनसाइड CPR कैसे काम आता है, आउटसाइड CPR कैसे काम आता है, मतलब सारा डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। CPR का ब्रेकआउट होता तो हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, अगर CPR के ऊपर मार्केट खुला तो कैसे ट्रेड लेंगे, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ तो कैसे ट्रेड लेंगे, S1 प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट हुआ तो कैसे ट्रेड लेंगे, रिवर्सल कैसे ट्रेड लेंगे, मतलब सारा डिटेल, ऑल डिटेल अबाउट CPR हम लोग इस चैनल में सीखेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छा वीडियो आपके सामने लाते हैं, ठीक है, थैंक यू।